दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जो सबको मोटिवेट करते हैं और सबको अपना मुजाहिरा मुनाफत हक के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि जो लोग अपने लाइफ में हार जाते हैं या सोचते हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली, वो लोग इनकी मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद इतना मोटिवेट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनके दिल में उम्मीद और विश्वास का एक छोटा सा बीज ऐसा तैयार होता है जिससे ये अपने लाइफ में 100% सक्सेस पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुनव्वर जमा के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल वाले बटन को भी दबा लीजिए। मुनव्वर जमा सर नालगोंडा जिले से ताल्लुक रखते हैं जो कि हैदराबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इन्होंने अपनी सेकेंडरी तालीम भी वहीं से हासिल की है। जमा साहब के वालिद और उनके दादा भी नालगोंडा जिले से ताल्लुक रखते हैं। मुनव्वर जमा साहब के वालिद फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे और वहाँ से रिटायर भी हो चुके थे और उनके हाथों में कुछ ऐसे अनोखे कर्म थे कि वो डॉक्टर से भी अच्छा काम करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मुनव्वर सर भी आगे चलकर डॉक्टर बने, पर अफसोस जमा सर ने कोशिश की पर वो डॉक्टर नहीं बन पाए। उसके बाद जमा साहब के वालिद चाहते थे कि जमा उनके नक्शे कदम पर चले और फार्मासिस्ट बने। जमा साहब के घर में क्लिनिक भी चलती थी, इसीलिए जमा साहब ने फार्मेसी कोर्स भी किया था, बीएससी भी किए। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली। जॉब मिलने के बाद वो हॉस्पिटल में काम किए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर इंग्लिश में बात करते थे और जमा साहब को इंग्लिश बोलना अच्छी तरीके से नहीं आता था। हालांकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी, पर वहाँ पर उनके पास दो ऑप्शन था, एक ये कि वो वापस नालगोंडा चले जाएं, दूसरा ये था कि वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख लें। फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। जमा साहब ने हैदराबाद में रसल्स स्पोकन इंग्लिश से इंग्लिश सीखा। उसके बाद जमा साहब का टीचिंग पैशन बन गया और उसके बाद उन्होंने पहली बार सन 2007 में रमदानुल करीम के महीने में पढ़ाना शुरू किया। पहली बार में ही उनके पास 300 बच्चे पढ़ने के लिए बैठे थे। उसके बाद जमा साहब दूसरी बार पढ़ाने आए तो उस टाइम 500 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वहाँ से उनकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर जमा साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों इतना ही नहीं, मुनव्वर जमा ने सऊदी अरब के इमाम हरम के चीफ जस्टिस की फैमिली को भी पढ़ाया है और इंटरनेशनल स्कूल के टीचरों को भी पढ़ाया है और जमा साहब ने हाउसवाइफ, लड़कियां और यहां तक कि आलिमा लोग को भी पढ़ाया है। आपको बता दूं कि इस समय मुनव्वर जमा इंग्लिश हाउस एकेडमी के सीईओ और संस्थापक हैं। फार्मासिस्ट से वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का उनका सफर वास्तव में अभूतपूर्व है। की यात्रा उन युवाओं के लिए आशा की किरण है जो निराश, हारे हुए और विचलित हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं टीचिंग, ट्रेनिंग और विकास के क्षेत्र में। उनकी यात्रा उन उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है जो अपनी काबिलियत को पहचान कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन, प्रगति और व्यक्तित्व के साथ अपनी उपस्थितियां दर्ज कराना चाहते हैं और इसीलिए मुनव्वर सर ने इन्हें तैयार करने के लिए इंग्लिश हाउस एकेडमी की स्थापना की है। दोस्तों आपको बता दूं कि मुनव्वर जमा ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ पूरे भारत में 19 राज्यों की यात्रा की, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, होटल, समागरों और 1,00,000 से अधिक छात्र, शिक्षक, व्यक्ताएं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकताएं, पुलिस अधिकारी, विद्वान और पेशेवर व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, ब्रिटिश एंड अमेरिकन एसेंट, फंक्शनल ग्रामर, वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट और इसी तरह के कई अन्य। दोस्तों आइए चलिए अब कुछ इनके अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इन्हें इनके काबिलियत के लिए मिला है। सन 2011 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया और सन 2012 में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन अवार्ड्स के साथ इन्हें नवाजा गया है और सन 2013 में इंडियन आइकन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है और सन 2016 में द आइडियल टीचर के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है और सन 2019 में द इन्फ्लुएंशियल ट्रेनर ऑफ द
डिकेड के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है और सन 2019 में द रिवोल्यूशनरी ट्रेनर ऑफ इंडिया के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है और सन 2019 में नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। आइए दोस्तों अब आपको इनके कुछ फेमस कोट्स के बारे में बता देता हूँ जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। तो नंबर पहला जो कोट्स है वो है, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग विद इनोवेशन इज माई पैशन। वाह दोस्तों क्या बात है। अगला इनका कोट है, योर टंग इज योर रिज्यूम, योर रिज्यूम इज योर टंग, सो रिफाइन योर स्किल्स टू डिफाइन योर सेल्फ। वाकई में दोस्तों ये भी कोट्स बहुत ही गजब का है। अगला है, इफ़ यू फेल टूडे यू हैव फेल्ड फॉर अ डे नॉट फॉर द लाइफ, सो गेट अप एंड गेयर अप बट नेवर गिव अप। और दोस्तों इनका चौथा कोट है, वन हु नोज हाउ टू ड्रेस कैन इम्प्रेस पीपल, वन हु नोज हाउ टू एड्रेस कैन इन्फ्लुएंस पीपल। और उसके बाद एक और कोट्स जो बहुत ही फेमस है मुनव्वर सर का, वो है, स्किल इज अ लैंग्वेज विच स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट वंस एबिलिटी पैशन एंड एम्बिशन। वाकई में दोस्तों ये कोट्स तो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।